हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट डायग्राम इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो चले हम इसको देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले आपको जो क्लियर करने वाली बात है वो ये है कि स्टेट डायग्राम का नाम सिर्फ स्टेट डायग्राम ही नहीं है। इंटरनेट के ऊपर अगर आप स्टेट डायग्राम को सर्च करेंगे तो ये मुख्तलिफ नामों से आपको मिलेगी। हो सकता है कि कहीं पर स्टेट मशीन डायग्राम के नाम से पड़ी हो सकता है कहीं पर स्टेट चार्ट के नाम से पड़ी हो, और कहीं पर सिंपली स्टेट मशीन के नाम से पड़ी हो। तो आपने ये नाम देख के कन्फ्यूज नहीं होना है। ये सारे के सारे नाम इस एक मशीन के ही हैं या फिर इस एक डायग्राम के ही हैं, जिसको मैं पर्सनली स्टेट डायग्राम कहता हूँ। तो अब चले हम स्टेट डायग्राम को देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्टेट क्या होती है। ठीक हो गया, उसके बाद हमें ये समझ आएगा कि स्टेट डायग्राम क्या होती है। तो सबसे पहले ये देखें कि स्टेट इज़ अ सिचुएशन इन द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, उसकी पूरी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस आ रही होती हैं। तो उन सारी सिचुएशंस में से किसी एक स्पेसिफिक सिचुएशन को आप क्या कहते हो कि ये एक जो है इसकी एक स्टेट है। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास बनाते हो, उसका आगे फर्दर जो एक आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो जो कि उसको उस क्लास को हर जगह जाके रिप्रेजेंट कर रहा होता है और उसके सारे फ्यूचर्स प्रोवाइड कर रहा होता है जो क्लास के अंदर होते हैं। तो वो आप उसको क्या कह रहे होते हैं कि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट मेरा मतलब है। अब आपको मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप अपनी लाइफ को देख लो, आप कौन हो, आप भी एक ऑब्जेक्ट हो। अगर आप एक ऑब्जेक्ट हो तो आपकी क्लास है, वो क्लास क्या है, पर्सन क्लास। ठीक है, तो आप पर्सन क्लास के एक ऑब्जेक्ट हो, और बीइंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पर्सन क्लास आपका कोई यूनिक नाम भी होगा, जैसे कि आप एक ऑब्जेक्ट का नाम रखते हो। ठीक हो गया, तो अब आप एक जब ऑब्जेक्ट हो तो आपकी पूरी लाइफ है, और उस लाइफ में आप मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस के साथ डील कर रहे होते हो। तो जो आप मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशंस के साथ डील करते हो, उसमें से किसी एक पार्टिकुलर सिचुएशन को जो है आप क्या कहते हो कि यह आपकी एक स्टेट है। ठीक है, और आप अपनी लाइफ में मुख्तलिफ किस्म की स्टेट में जाती हो। फॉर एग्जाम्पल, जब रात को नींद आती है, आप सो जाते हो, तो उस वक्त आप जिस सिचुएशन से डील कर रहे होते हो, आप स्लीपिंग सिचुएशन से डील कर रहे होते हो, आप स्लीपिंग सिचुएशन में होते हो, तो आप ये कह सकते हो कि आप इस वक्त स्लीपिंग स्टेट में हो। जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आप अक्सर लोग आपसे पूछते हैं यार क्या कर रहे हो, किधर हो, तो आप उसको जवाब देते हो कि मैं यार बिजी हूँ। ठीक है, तो ये जो आप बात बता रहे होते हो कि मैं बिजी हूँ, तो आप एक्चुअली आप उसको ये बता रहे होते हो कि इस वक्त मैं बिजी स्टेट के अंदर हूँ। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आप एक ऑब्जेक्ट होने के नाते मुख्तलिफ टाइमों के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर होते हो। ठीक हो गया, अब आपको स्टेट तो समझ आ गया होगा। अब दिस डायग्राम शोज हाउ एन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू वेरियस इवेंट्स बाय चेंजिंग इट्स स्टेट। अब जो स्टेट डायग्राम होती है वो क्या शो करती है, वो ये शो करती है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो मुख्तलिफ लाइफ में आने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर अपनी स्टेट्स बदल बदल के किस तरीके से जो है रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा आपके सामने और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप हमेशा एक ही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते, एक ही स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड नहीं करते हर इवेंट को। ठीक है, आप हर इवेंट को उसके हिसाब से उसकी स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड करते हो। कभी कभी आप जो है आपके सामने अगर कोई ऐसी बात कर देता है जो आपको पसंद नहीं आती, तो जब आप उस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करते हो तो आप किस स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड करते हो, आप एंगर स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड करते हो। इसी तरीके से अगर आपके सामने कोई ऐसी बात होती है, फिर कोई ऐसा इवेंट होता है जो आपको बहुत पसंद आता है, तो आप उस इवेंट के ऊपर किस स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड करोगे, आप उस स्टेट उस जो इवेंट है उसके ऊपर आप हैप्पी स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो ये डायग्राम क्या शो करती है, इसी चीज़ को शो कर रही होती है। अब दोबारा मैं आपके सामने इस बात को जब रीड करूंगा तो आपने मेरे इस एग्जांपल को माइंड में रखना है, अपनी एंग्री और हैप्पी स्टेट वाली, कि दिस डायग्राम शोज हाउ एन ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू वेरियस इवेंट्स बाय चेंजिंग इट्स स्टेट। ठीक हो गया, कि ये जो एक आप जो एक ऑब्जेक्ट हैं वो आप मुख्तलिफ किस्म के इवेंट के ऊपर अपनी स्टेट चेंज कर करके किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस चीज़ को अगर आपने डायग्रामेटिकली शो करना हो तो आप स्टेट डायग्राम को यूज़ करके शो करते हैं। ठीक हो गया, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि दिस यूएमएल डायग्राम, अच्छा यहाँ पर मैंने स्टेट डायग्राम की जगह दिस यूएमएल डायग्राम इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि ये भी जैसे आपकी सीक्वेंस डायग्राम होती है, जैसे आपकी यूज केस डायग्राम होती है, वो सारी यूएमएल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। इसी तरीके से ये स्टेट डायग्राम भी यूएमएल फैमिली के अंदर आती है। ठीक है, एंड दिस यूएमएल डायग्राम इज यूज टू मॉडल द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ये डायनामिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम का क्या मतलब है, डायनामिक की चीज़ क्या होती है जिसको आप मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखते हो और वो मुख्तलिफ नज़र आती है। ठीक हो गया, इसी तरीके से इसको भी आप ये कहते हो कि जब आपने किसी सॉफ्टवेयर का या किसी सिस्टम का डायनामिक बिहेवियर शो करना हो, यानी कि मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से
मुख्तलिफ स्टेट में जाके एक्शन लेने वाला या फिर कुछ मुख्तलिफ स्टेट में रिस्पॉन्ड करने वाला बिहेवियर शो करना हो तो आप उसको क्या कहते हो कि ये इसका डायनामिक बिहेवियर है और इस डायनामिक बिहेवियर के लिए आप स्टेट डायग्राम यूज़ कर रहे होते हो। अब आप जैसे मैंने आपको ये बताया कि लाइफ में होने वाले मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर आप मुख्तलिफ स्टेट्स में जाके जो है रिस्पॉन्ड करते हो, यानी कि आप इसको दूसरे सेंस में ये कह सकते हो कि ये आप अपना डायनामिक बिहेवियर शो करते हो कि मैं किसी परस्पेक्टिव से कुछ और नजर आऊंगा और किसी परस्पेक्टिव से कुछ और नजर आऊंगा। ये डिपेंड करता है कि इसी तरीके से कि किसी इवेंट के ऊपर किसी और स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड करूंगा और किसी इवेंट के ऊपर किसी और स्टेट में जाके। तो इसी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर डायनामिक का नाम दिया गया है। तो जब आपको अपने सॉफ्टवेयर का डायनामिक बिहेवियर रिप्रेजेंट करना हो तो उस वक्त बहुत सारे डायग्राम्स हैं डायनामिक बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने की, लेकिन स्टेट डायग्राम उनमें से एक डायग्राम है जो आपके सॉफ्टवेयर के डायनामिक बिहेवियर आपको रिप्रेजेंट करने में हेल्प करती है। अच्छा, इसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, कीप इट इन माइंड एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सिस्टम कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली ऑन द सेम इवेंट। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर उसके सामने कोई एक इवेंट होता है तो हो सकता है कि वो एक स्पेसिफिक स्टेट में जाकर उसको रिस्पॉन्ड करे, फिर दोबारा से वही इवेंट होता है तो डेफिनेटली वो उसी सेम स्टेट में जाकर तो दोबारा से उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, ये बात तो समझ आती है, लेकिन यहाँ पर जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि ज़रूरी नहीं होता कि सेम इवेंट के ऊपर आप हमेशा उसी स्टेट में जाके रिस्पॉन्ड करो जिसमें आपने एक दफ़ा पहले जाके रिस्पॉन्ड किया था। अब मैं इसके एक को एग्जांपल देके आपको क्लियर करता हूँ। मैं आपके सामने आपका कोई छोटा भाई बैठा हुआ है और वो आपसे पूछता है कि यार एक बात बताओ, ये वाला काम इस तरीके से होगा, तो आप उसके साथ देखोगे और उसको आप नॉर्मल स्टेट में रहते हुए जवाब दोगे हाँ यार ऐसे ही होगा। वो दोबारा पूछता है कि यार बताना ज़रा कि ये काम ऐसे ही होगा। अच्छा, वही इवेंट हुआ है दोबारा से, आप फिर उसी स्टेट में रहते हुए जवाब दोगे हाँ यार ऐसे ही होगा। अच्छा, अब वो दोबारा बताता है, अब वो दोबारा वही वाला इवेंट दोबारा रिपीट करता है कि नहीं ये वाकई ऐसे ही होगा। अब आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, अब आप गुस्से में चले जाओगे, शायद थोड़े से एंग्री होके जवाब दोगे कि यार कितनी दफ़ा बताऊं तुम्हें कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, देखिए इवेंट वही है लेकिन आपने स्टेट चेंज कर ली। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर में भी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं होता कि आप एक इवेंट के बार बार होने के ऊपर जो है आप वही स्टेट में रहते हुए जवाब दो जिसमें आप पहली दफ़ा थे, दूसरी दफ़ा थे या तीसरी दफ़ा थे। अब ये चीज़ सॉफ्टवेयर में कैसे हो रही होती है मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। स्टेट डायग्राम के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, अब मैं आपके सामने स्टेट डायग्राम को एक स्टेट को रख के मेंशन करके आपके सामने चीज़ें क्लियर करता हूँ। आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी एक छोटी सी डायग्राम जिसके अंदर ऊपर स्टेट नेम लिखा हुआ है, मीन्स ये कि आप ये समझ लें आप वर्किंग स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ तक आने पर इस स्टेट में आने में और स्टेट से बाहर निकलने में मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स अंदर हो रहे होते हैं। जब आप वर्किंग स्टेट में होते हैं तो सबसे पहले आपकी जो एक वर्किंग स्टेट में आने के लिए आपकी कोई इंट्री एक्टिविटी होती है। ठीक है, मींस ये कि एक्शन परफॉर्म ऑन इंट्री टू स्टेट, मींस ये कि आप किसी और स्टेट में थे पहले। अगर आप वर्किंग स्टेट में अभी आए हैं तो आप इससे पहले डेफिनेटली आप किसी और स्टेट में रहे होंगे, तो आपने उस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म किया। जैसे इसके अंदर दिखाया गया कि अनलॉक द डोर, आप कोई वर्क करने किसी रूम में जा रहे हैं तो शायद आपने डोर अनलॉक किया होगा। अब आपने अनलॉक दी डोर किया और आप दरवाजे से अंदर आ गए तो अब आप किधर आ गए, आप एक वर्किंग स्टेट के अंदर आ गए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्या, डू एक्टिविटी, मीन्स ये कि आपने जो काम करना था, यानी कि आपने शायद कोई मटेरियल प्रिपेयर करना था किसी भी काम के लिए, तो आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म की। अब ये इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि एक्शन परफॉर्म वाइल इन दी स्टेट। अब ये वाली जो एक्टिविटी है ये जो है आपने उस स्टेट के अंदर रहते हुए परफॉर्म की। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद इसके नीचे ही डू एक्टिविटी के नीचे लिखा हुआ है एग्जिट एक्टिविटी। अब इस एग्जिट एक्टिविटी के अंदर आप क्या करोगे, एक्शन परफॉर्म ऑन लीविंग द स्टेट। जब आप इस स्टेट के अंदर अपना काम कर चुके होगे तो डेफिनेटली आप इस स्टेट से निकलोगे, और आप जब भी कभी किसी एक स्टेट से निकलते हो तो आप दूसरी स्टेट के अंदर दाखिल होते हो। ठीक है, तो आप इस स्टेट को छोड़ रहे हो तो आप लॉक द डोर, आपने एक जो है एक एक्शन परफॉर्म किया और आपने वापस दरवाज़ा लॉक करके आप इस स्टेट से निकल गए, डेफिनेटली आप आगे किसी और स्टेट के अंदर गए होंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। अब इसमें यह बताया गया है कि आप जब किसी स्टेट में आते हो तो किसी दूसरी स्टेट से इस स्टेट के अंदर आते हो, एक स्टेज वो होती है आपकी, फिर इस स्टेट में रहते हुए आप वो काम करते हो जिसकी वजह से आप इस स्टेट के अंदर आए हो, फिर उसके बाद आप क्या करते हो कि आप इस स्टेट से वापस वो काम करके बाहर निकल जाते हो। लेकिन इसके साथ ही अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो डिफरेबल ट्रिगर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, अब ये क्या है, इवेंट दैट डज नॉट ट्रिगर एनी स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है, अब डिफरेबल ट्रिगर ऐसे इवेंट होते हैं जो आप करते तो हो, वो इवेंट आप परफॉर्म तो करते हो, लेकिन उस इवेंट को परफॉर्म करने के लिए आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट से आपको दूसरी स्टेट में
नहीं जाना पड़ता। तो ऐसे कोई भी इवेंट जिनको परफॉर्म करने के लिए आप एक एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं जा रहे, तो उनके लिए स्टेट डायग्राम्स नहीं बनाई जाती। अब देखें आपके जो राइट साइड पे तीन इवेंट लिखे हुए हैं, एंट्री एक्टिविटी, अब इसको परफॉर्म करने के लिए आप किसी और स्टेट से एट वर्क की स्टेट की तरफ आए होंगे। डू एक्टिविटी, अब आपने इसके अंदर रहते हुए ये काम किया, ठीक हो गया, यानी कि ये वो एक्चुअल काम है जिसकी वजह से आप स्टेट में आए, ठीक हो गया। उसके बाद आप फिर यहाँ से बाहर निकल गए, अब इस बाहर निकलने के लिए भी डेफिनेटली आपने स्टेट चेंज की, यानी एट वर्क की स्टेट से शायद आप एट स्लीपिंग स्टेट की तरफ गए, ठीक है। यहाँ पर स्टेट्स चेंज हुई, लेकिन देखें आप डिफरेबल ट्रिगर के अंदर जाकर आप देखें कि टेलीफोन रिंग्स, मीन्स ये कि ये कोई ऐसी एक्टिविटी थी जिसको ये टेलीफोन अगर बज रहा है तो ठीक है बज रहा है, लेकिन आप इसको उठाने के लिए, इससे बात करने के लिए शायद अपनी पूरी की पूरी स्टेट चेंज ना करें, ठीक है। आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वर्क करते हुए अगर आप फोन उठाएं नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप वर्क करते हुए अगर फोन उठाएं तो वो कान के नीचे शोल्डर के साथ दबा के साथ साथ काम भी करते जाएं। आपको अपनी स्टेट एट वर्क छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो ऐसे ट्रिगर को हम क्या कहते हैं कि डेफरेबल ट्रिगर है, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको स्टेट समझ आ गया होगा। इसके अंदर अब मैं एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल का इसको बताता चलूँ कि आपने जो माइंड में बातें रखनी है वो ये कि आप एक स्टेट में जब भी आते हो तो किसी एक स्टेट से आते हो, मतलब स्टेट वन से शायद आप स्टेट टू में आते हो, और जब स्टेट टू को छोड़ते हो तो डेफिनेटली आप किसी और स्टेट में जा रहे होते हो, समझ आ गया। अच्छा, अब इसके बाद अब इजी पैसा एग्जांपल। अच्छा, इजी पैसा क्या है? ये पाकिस्तान के अंदर एक सर्विस है जिससे हम पैसों की ट्रांजैक्शन करते हैं, एक मोबाइल अकाउंट से हम दूसरे अपने किसी दोस्त को दे सकते हैं। और जो मेरे इंडियन स्टूडेंट्स हैं मैं उनको बताता चलूँ कि इजी पैसा का अल्टरनेटिव जो आप लोग यूज़ कर रहे हो शायद वो पेटीएम के नाम से है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं आपको इस चीज़ की एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ कि हमने इस स्लाइड के ऊपर जो लास्ट लाइन में जो एक नोट लिखा था कि हो सकता है कि इवेंट सेम ही हो लेकिन क्या हो कि हमारा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करने लगे। इसके ऊपर मैंने आपको आपकी लाइफ से तो एग्जांपल दे दी थी, लेकिन सॉफ्टवेयर की लाइफ में कैसा होता है इसको हम इस एग्जांपल से देखेंगे, ठीक हो गया। आपके पास देखें कि सपोज यू एक्सेस द विथड्रॉ ऑब्जेक्ट ऑफ योर इजी पैसा अकाउंट। देखें आपका कोई पेटीएम या इजी पैसा का अकाउंट है जिसका नाम क्या है, कोई भी अकाउंट है, ठीक है। अब आप उसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है विथड्रॉ का, ठीक है, मतलब ये कि उसके अंदर से पैसे निकालने का, ठीक है। आपको वो ऑप्शन किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू मिल रहा है जो कि उस ऑब्जेक्ट का नाम ही समझ लें कि विथड्रॉ ऑब्जेक्ट है। अब आप उसको एक्सेस करते हो तो आपके पास अकाउंट के अंदर 10,000 रुपये 10,000 रुपीज़ हैं। आप पहले दफ़ा जब आप उस विथड्रॉ ऑब्जेक्ट के ऊपर को एक्सेस करते हो, यानी कि जब पहला इवेंट अकर होता है, तो आप उसे 5,000 रुपये निकालने को कहते हो, वो आपको निकाल के दे देगा, ठीक है। फिर दूसरा जब आप इवेंट अकर करते हो, यानी कि विथड्रॉ ऑब्जेक्ट को दोबारा से एक्सेस करते हो, और आप इस दफ़ा आपको 4,000 आप उसको निकालने को कहते हो, तो वो आपको 4,000 रुपये निकाल के दे देगा। मीन्स ये कि देखो इवेंट अकर हो रहा है, पहली दफ़ा जब इवेंट अकर हुआ तो उसके ऊपर जो स्टेट जिस स्टेट में आपका सिस्टम गया वो वही थी जो कि दूसरी दफ़ा में गया, ठीक है, क्योंकि इवेंट सेम था। अब देखें द ऑब्जेक्ट इज बिहेविंग इन सेम मैनर्स इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्शन। अब ऑन थर्ड विड्रॉ ऑब्जेक्ट एक्सेस, अब आपने तीसरी दफ़ा फिर वही इवेंट जो है परफॉर्म किया, ठीक है, और आपने इस दफ़ा उसको ये कहा कि अब मुझे 3,000 रुपीज़ जो है विड्रॉ कराने हैं, ठीक है। तो अब क्या वही वाला स्टेट में जाके आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा जिसमें पहली और दूसरी दफ़ा किया था, कि उसने पहली दफ़ा तो ये किया था कि विड्रॉ की एक्सेस आई है 5,000 रुपये कहा गया है तो 5,000 निकाल के दे दिए, दूसरी दफ़ा एक्सेस आई तो विड्रॉ की एक्सेस आई तो उसने जो है 4,000 रुपये कहा तो उसने 4,000 निकाल के दे दिए। मीन्स ये कि निकाल के दिए वही स्टेट में रहते हुए उसने रिस्पॉन्ड किया। अब तीसरी दफ़ा आई तो उसने 3,000 दिया, तो अब देखें इवेंट वही अकर हुआ है, पहला इवेंट भी पैसे मांगना था, दूसरा इवेंट भी पैसे मांगना था, तीसरा इवेंट भी पैसे मांगना था। पहले इवेंट में सेम वही रिस्पॉन्ड किया जो कि दूसरे में किया, लेकिन इस दफ़ा तीसरी दफ़ा उसी इवेंट के ऊपर अब वो रिस्पॉन्ड उसका सेम नहीं होगा। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है विड्रा वाला वो आपको रोक देगा, बोलेगा अब मैं आपका ये वाला काम एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि आपके अकाउंट में 10,000 थे, एक दफ़ा आपने 5 निकाला, एक दफ़ा आपने 4 निकाला, आप 9,000 ऑलरेडी निकाल चुके हो, अब मैं 3,000 आपको और कहाँ से निकाल के दूँ, आपके अकाउंट में इतने पैसे नहीं हैं। तो देखें कि इवेंट सेम रहा, फर्स्ट टाइम भी विड्रॉ, सेकंड टाइम भी विड्रॉ, थर्ड टाइम भी विड्रॉ। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम आपके सिस्टम ने एक स्टेट में रहते हुए उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया, और थर्ड टाइम जो है अलग तरीके से। तो अब आपको ये चीज़ें तो मेरे ख्याल में समझ आ चुकी होंगी कि आपकी स्टेट डायग्राम क्या है, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप कैसे जाते हो, और आप किस किस तरीके से इन चीज़ों के ऊपर रिस्पॉन्ड कर रहे होते हो। तो अब हम इस तरफ चलते हैं कि ऑर्डर डिलीवरी स्टेट डायग्राम, अब इसको देख लेते हैं कि ठीक है। अब ये दिस इज जस्ट अ रियल लाइफ एग्जांपल टू मेक योर कंसेप्ट क्लियर हाउ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। अब देखें जो ब्लैक डॉट है ये क्या है, ये आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट को स्टेट डायग्राम को इस ब्लैक डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एरो है बीच में क्या है, ये ट्रांजिशन है।
आपका जो एक ऑर्डर है वो क्रिएट किया गया, ठीक हो गया। क्रिएट करने के बाद अब ये अपनी स्टेट चेंज करेगा, ठीक है, और ये चेंज करके दूसरी स्टेट कौन सी में चला जाएगा, शिपिंग स्टेट में, ठीक है। अब रिक्वेस्ट की गई थी क्योंकि शिपमेंट की, तो शिपिंग स्टेट में चला गया। शिपिंग स्टेट से ये किस स्टेट में जाएगा, ये डिलीवर स्टेट में चला जाएगा, यानी कि आपके पास चला जाएगा, ठीक है। और जब वो उन लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि ये ऑर्डर जो है आगे वाले यूजर तक या जिसने मंगवाया था, जो क्लाइंट हाउस तक पहुंच चुका है, तो उसके बाद उसकी स्टेट को उनके डेटाबेस में क्या कर दिया जाएगा, ऑर्डर क्लोज, यानी कि उसने क्रिएटेड से लेके क्लोज के दरमियान दो डिफरेंट स्टेट्स ली और आखिरी स्टेट पे जाके वो क्लोज हो गया और आपका काम फिनिश हो गया। या तो ये एक ऑप्शन है। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन ये है कि पहले आपने ऑर्डर क्रिएट किया और क्रिएट करने की थोड़ी देर के बाद आपका माइंड चेंज हो गया, तो आप दोबारा से शॉपिंग कार्ट में गए और आपने कैंसिल ऑर्डर कर दिया, तो वही क्रिएटेड ऑर्डर की स्टेट चेंज होकर कैंसिल ऑर्डर हो गई और आपका सारा का सारा प्रोसेस जो चल रहा था वो खत्म हो गया। देख रहे हैं आप। अब ये देखें, इसमें जो बात है गौर करने वाली वो ये है कि आपका सिस्टम के अंदर जो एक ऑब्जेक्ट था, जो कि आपका ऑर्डर था, वो जैसे जैसे मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर जा रहा था तो आप उसकी उस स्टेट के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। ये पहले क्रिएटेड हुआ तो वो एक स्टेट है कि ये ऑर्डर क्रिएट हो गया, फिर वो क्रिएटेड से दूसरा आगे वालों ने आपको भेज दिया, उन्होंने शिपिंग कर दी, तो अब उसकी स्टेट क्या थी कि अब वो सफर कर रहा था, वो शिपिंग स्टेट में था, तो आपने उससे आगे फ्लो के अंदर ये रिप्रेजेंट किया कि क्रिएटेड के बाद ही शिपिंग में आ गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने, आपके पास वो डिलीवर हो गया, तो अब आपने उसको क्या रिप्रेजेंट कर दिया कि अब वो जो शिपिंग स्टेट में जो चीज थी वो मेरे पास डिलीवर्ड स्टेट में आ गई है, यानी कि मेरे पास पहुंच चुकी है, और उसके बाद उसको मार्क एज क्लोज कर दिया गया। तो स्टेट डायग्राम यही काम कर रही होती है कि कोई एक ऑब्जेक्ट, या फिर आप ये समझ लो कि इस एग्जाम्पल में जैसे कोई एक प्रोडक्ट अपनी लाइफ के अंदर जब वो मुख्तलिफ स्टेट्स में से गुजरता है तो आपने इस चीज को रिप्रेजेंट करना होता है कि किस स्टेट से वो किस स्टेट में गया और फिर किस स्टेट से वो किस स्टेट में गया और पैदा होने से मरने तक वो किस किस स्टेट से गुजरता हुआ किस किस स्टेट तक पहुंचा। इस चीज को रिप्रेजेंट करने को आप क्या कहते हो कि ये आपकी स्टेट डायग्राम है, ठीक हो गया। और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की पॉसिबिलिटीज जो होती हैं आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हो कि क्रेडिट वाली पॉसिबिलिटी हुई तो आप ये सारा का सारा शिपिंग डिलीवरी क्लोज तक जाओगे, और अगर क्रेडिट का कैंसिल हो गया तो बाकी कुछ भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट आप फिनिश डेडलाइन तक चले जाओगे, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपका सारा सिस्टम चल रहा होता है। अब ये मैं आपको एक ओरिजिनल स्टेट डायग्राम को दिखा रहा हूँ कि ये देखें, अब ये जो आपकी स्टेट है इसको आप क्या कहते हो, इनिशियल सूडो स्टेट, ठीक है। ये जो लाइन है जो बीच में आप एरो लाइन लगाते हो इसको आप क्या कहते हो, ट्रांजिशन। ये जो आपके रेक्टेंगल है राउंडेड कॉर्नर के साथ इसको आप क्या कहते हो, स्टेट। और ये जो आपकी ब्लैक डॉट के ऊपर एक सर्कल स्टेट है, ये जो आप फाइनल स्टेट, जब आप पहुंच जाते हो आपका सारा काम खत्म हो चुका था तो आप उसको किस चीज से मार्क करते हो, फाइनल स्टेट से। ये वो चीजें हैं जिनके सबके मैंने नाम लिख दिए और ये आपने इनके ऊपर लेबल लगाए हुए हैं कि इनवॉइस क्रिएटेड, पेइंग और इनवॉइस डिस्ट्रॉयड, ठीक हो गया। अब ये आपका क्या दिखाया गया है कि आप इनिशियल स्टेट से उठे और आपकी एक ट्रांजिशन हुई कि इनवॉइस क्रिएट कर दो। अब आपका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो कि इस वक्त कौन सी स्टेट में है, अनपेड स्टेट में है, ठीक है। अब वो अनपेड स्टेट में, अब जैसे ही आप इसको पे करोगे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो अनपेड से क्या हो जाएगा कि पेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर वो जा रहा है तो आप इस ऐसी जगह पर क्या करोगे, स्टेट डायग्राम यूज करोगे और आप इस चीज को रिप्रेजेंट करोगे कि देखें किस तरीके से एक जो ऑब्जेक्ट था वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद वो वाला मामला वहां पे उसका खत्म हो गया। क्योंकि जब एक इनवॉइस अनपेड थी तो वो उसकी एक स्टेट थी कि अनपेड है, आपने डेफिनेटली जैसे ही इसको पे करना है तो वो उसका फौरन उसका जो एक ओवरऑल जो व्यू है वो चेंज हो जाएगा, वो एक उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो अनपेड स्टेट से पेड स्टेट में आ जाएगी। जब पेड स्टेट में आ जाएगी तो ये कहानी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, तो आप इसको क्लोज कर दो। अगर आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो ऐसा जिसमें ऐसा कोई मामला इन्वॉल्व है तो आप क्या करोगे, आप इस किस्म की एक्टिविटी को एक स्टेट डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दोगे। तो ऐसी कोई भी जगह, ऐसा कोई भी मामला जहां पर आपका सॉफ्टवेयर एग्जैक्टली, आपके सॉफ्टवेयर का कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल भी एग्जैक्टली इसी तरीके से अपनी स्टेट चेंज करता है, यानी कि पहले अनपैड होता है फिर उसके बाद पैड हो जाता है और इस तरीके से और भी कोई आपकी स्टेट चेंज कर रहा होता है, तो वो जो स्टेट चेंजिंग बिहेवियर है किसी भी स्पेसिफिक मॉड्यूल का उसको आप स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट करोगे और स्टेट डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हुए ये चीज यूज करोगे और बताओगे कि एक स्टेट थी तो जब इस स्टेट से मूव हुआ तो वो कौन सी स्टेट में जा सकता था और किस किस स्टेट में जाके आगे उसके पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी और किस तरीके से वो उन पॉसिबिलिटीज से गुजरता हुआ वो एंड स्टेट तक पहुंचेगा। तो आप दोबारा मैं बता देता हूँ
कि आप अपने सॉफ्टवेयर, जरूरी नहीं होता कि हर सॉफ्टवेयर की स्टेट डायग्राम बने, अगर आप एक सॉफ्टवेयर की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप अपने सॉफ्टवेयर को देखो करीब से कि क्या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल है जो कभी एक जगह पर ये शो कर रहा होता है कि मैं इस स्टेट में हूँ और फिर फर्दर वो एंड होने तक, अपनी बात खत्म करने तक वो 2 से 3 या 1-2 स्टेप के अंदर स्टेट्स को अपनी चेंज करता है। तो अगर कोई ऐसा मॉड्यूल है तो आप उसके लिए स्टेट डायग्राम बना दो और आप उसकी ये चीज़ें रिप्रेजेंट कर दो कि पहले ये मॉड्यूल किस स्टेट में होता है और फिर ये इसके बाद किस स्टेट में जाता है और फिर उससे आगे किस स्टेट में जाता है और कैसे वो अपनी फाइनल स्टेट तक पहुँचता है, ताकि आगे वाला अगर आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखे प्रोजेक्ट की, उसकी स्टेट डायग्राम देखे, तो उसको पता चल जाए कि इनके सॉफ्टवेयर का ये वाला जो मॉडल है ये स्टार्ट होकर एंड होने तक इन इन स्टेट्स के अंदर से गुजरता है। तो आई होप सो कि मैंने आपको स्टेट डायग्राम को जो है जहाँ तक मुझसे हो सकता था अच्छे तरीके से समझाया है। ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको लेके काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं और डायग्राम्स के अंदर इसको बड़ा मुश्किल डायग्राम भी समझा जाता है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक अपना कंसेप्ट डिलीवर कर सकता था और मैं जितना क्लियर करके आपको समझा सकता था मैंने समझाया है। और अगर फिर भी किसी जगह पर आपको कोई मिस्टेक नज़र आए तो डेफिनेटली मिस्टेक्स हमसे भी हो सकती हैं, तो आप काइंडली उस मिस्टेक को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट कर दीजिएगा ताकि बाकी सब की भी करेक्शन हो सके। एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस लेक्चर के नोट्स जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है mysoftwarenotes.com उस पर आपको मिल जाएंगे, तो अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से जाके उठा सकते हैं। अगर किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी है तो आप हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके आप रिक्वेस्ट पोस्ट कर सकते हैं, हम जरूर कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक को जल्द से जल्द कवर करें। तो चलें मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।